मुरली की डेट है 18 जनवरी 79। ओम शांति। और वक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का हेडिंग है 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदा काल का स्मृति दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं। तो बाबा लास्ट पार्ट में बता रहे थे कल कि सकारी सो अकारी बाप सभी के नैनों में समाए हुए हैं, और अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति में फैले हुए थे, और फिर प्रेम के आंसू की मालाएं वतन को सजा रही थी। फिर बाबा कहते, हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लवलीन थे, और चारों ओर दिल रुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही थी। तो फिर बाबा ने बोला, बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? तो मेजोरिटी बच्चों का यही स्नेह सवाल था कि बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने, अलफ की तार पहले एक को आई, सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मुहूर्त एक अकेले बने, तो इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो, बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। तो जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी बना, तो बाबा कहते, बाप समान ऐसे अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। तो आज का सेकंड पार्ट है, बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं। तो बाबा कहते, देर किसकी है अव्यक्त वतनवासी बनने की, देर किसकी है? तो ड्रामा की देर है, ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। तो बाबा कहते, छोटी सी बात है, उसको उसका दृढ़ संकल्प करना है और फिर धारण करना है, तो फिर सदा काल का मिलन हो जाएगा। जैसे आज के दिन सहयोगी निरंतर योगी, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर बाप के वरदानी बनो। तो बाबा कहते, जैसे आज के दिन 18 जनवरी के दिन बच्चे सहयोगी भी रहे और निरंतर योगी भी, तो एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे। तो फिर बाबा से सदा अमर बाप का वरदानी बने तो क्या होगा? सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी, और सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। तो बाबा कहते, बच्चों के साथ, बच्चों का स्नेह तो है बाबा के साथ, उसको समान रूप में अभी परिवर्तन करना है। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है, तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। तो जिससे बाबा कहते हैं, जिस भी आत्मा के साथ स्नेह होता है, जो उसको पसंद होता है वही उसको पसंद होता है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह जानते हो, बाप का स्नेह किससे है? तो फिर बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि
बाप का स्नेह किससे है, बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो बाबा कहते हैं अपने अपने दिल पसंद नहीं बनना, बाबा के दिल पसंद बनना है। जो बाबा को पसंद हो वही तुम बच्चों को वही पसंद हो। तो सदा जो भी संकल्प करो वह कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद हैं। तो बाबा कहते हैं सदा जो भी संकल्प करते हो कर्म करते हो तो पहले क्या सोचना है कि बाबा को ये पसंद है, बाप के दिल पसंद है, तो ऐसे संकल्प भी करने हैं, ऐसे कर्म भी करने हैं जो बाबा को पसंद हो। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोक पसंद भी नहीं। तो अगर बाबा को कोई कुछ भी अगर बाबा को पसंद नहीं है संकल्प कर्म, तो बाबा कहते फिर लोक पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। तो यही बात है, बाबा कहते जिससे स्नेह होता है, बाप से स्नेह है तो फिर पसंदी होकर चलना है। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना, सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है? तो बाबा कहते ये कोई बड़ा रिटर्न तो नहीं है स्नेह का, तो इसमें क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल लगता है? तो आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए स्मृति दिवस मनाओ। यह संकल्प करो जो बाप को पसंदी वही मेरी पसंदी है। तो क्या संकल्प करना है? बाबा कहते जो बाबा को पसंद है वो मेरी पसंद है। सदा बाप पसंद लोक पसंद रहना। ओम शांति। ये थे आज के बाबा के व्यक्त महावाक्य। तो आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। मुंडली की डेट है 18 सितंबर 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। तो बाबा कहते तुम बच्चे धरती के चैतन्य सितारे हो, तो क्या करना है? सारे विश्व को रोशनी देनी है। तो आज का प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? तो उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। तो कैसे कंचन करते हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान दूध पिलाकर कंचन काया कर देते हैं, इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और फिर कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है, यह धरती के सितारे हैं। तो आसमान के तारे अलग हैं, बाबा कहते तुम क्या हो? धरती के चैतन्य सितारे हो। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो है नहीं, तो जो आसमान के तारे हैं बाबा कहते वो तो तारे नहीं हैं। तो जैसे बाबा कहते ना, ये जैसे ये मांडवे की बत्तियां हैं चमकने वाली रोशनी देने वाली, तो तुम उनसे महान बलवान हो क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को
रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो क्योंकि दैवी गुण धारण करते हैं, बाबा से ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान क्या है? रोशनी। तो बाबा कहते हैं तुम देवता बनते हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, तो घोर अंधियारा क्यों है? तो बाबा कहते पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। तो बाबा कहते वास्तव तुम सूर्यवंशी हो ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है। अब भारत में ही सोजरा चाहिए। तो बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं, तो इस ज्ञान अंजन से अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है। तो बाबा कहते तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। तो अज्ञान नींद में सोए हुए थे, तो बाबा आकर फिर से जगाते हैं ज्ञान देकर। तो कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूं। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। तो शास्त्रों में बाबा कहते पुरुषोत्तम संगम युग का वर्णन नहीं है। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, तो बाबा के द्वारा हम भी जान गए हैं पुरुषोत्तम संगम युग को। जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो, तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताएं नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, तो कहाँ पूजा करते थे? तो बाबा कहते अभी पूज्य बनते हो। वहां तुम पूज्य बन जाते हो, यह भी समझने का है। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है, इसमें कभी किसकी लड़ाई होती नहीं, क्योंकि गुप्त पढ़ाई है। तो बाबा कहते इससे किसी की लड़ाई नहीं है, क्योंकि टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं। यह ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं भगवान हूं। तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। तो निराकारी बाप हमें पढ़ाते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा का। और बागी रथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है।
बाबा कहते भाग्यशाली रथ है, यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तो भागीरथ ठहरा ना, तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। तो यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। तो कितनी बड़ी पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई से देवता बनते हैं, महाराजा बनते हैं। इसलिए बाबा कहते सबसे ऊंची पढ़ाई यही है। तो दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना, कहावत भी है ना, सच की नैया डोले। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। तो कोई अपने को भगवान कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बाबा कहते बहुत भगवान निकल पड़े हैं अभी तो कलयुग में। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर बित्तर को भी भगवान कह देते हैं। पत्थर की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, तो ऐसे कितनी अंधश्रद्धा है। बाबा कहते ठिकर बित्र को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। तो बाप को तो जैसे बाप कहेंगे, वो ना टीचर होगा ना गुरु होगा। तो यहाँ तो बाबा शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो अगर कोई टीचर होगा तो वो बाप नहीं होगा ना गुरु होगा। तो बाबा कहते पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। तो ऐसे ऐसे अवस्था है। तो पहले बाप चाहिए, फिर जैसे बड़े होते हैं फिर टीचर चाहिए। तो जब थोड़े बड़े होते हैं, बाबा कहते 60 वर्ष की आयु में, तो गुरु चाहिए मार्गदर्शन करने के लिए। तो यह तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है, तो तीनों एक में ही है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, पढ़ती भी आत्मा है, आत्मा को आत्मा कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम है, ख्याल करो यह है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही, कोई नहीं कोई नई बात नहीं। तो बाबा कहते ये बनी बनाई है, वही बन रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाटदारी आत्माएं हैं, आत्मा कहाँ रहती है? तो कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव यहाँ वहाँ ही रहते हैं, तो बाबा सदा कहाँ रहते हैं? परम धाम अपने घर में। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, तो वो हमारी तरह जन्म मरण में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं सुदर्शन चक्करधारी बच्चे, तो इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सके, क्योंकि वह तो समझते हैं सुदर्शन चक्करधारी विष्णु है। यह फिर मनुष्यों को क्यों कहते, यह तुम जानते हो, शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु करैक्टर्स बदलते रहते हैं।
तो बदलते हैं करेक्टर्स। तो बाबा कहते शूद्र थे तब भी मनुष्य थे, ब्राह्मण है अभी तब भी क्या है, मनुष्य है, देवता बनेंगे तब भी मनुष्य रहेंगे। तो करेक्टर्स बदलते रहते हैं। रावण आता है, तुम्हारे करेक्टर इतने बिगड़ जाते हैं, तो आसुरी मत पर चलते हैं, विकार आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रावण के आने के कारण तुम्हारे करेक्टर बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। सतयुग में यह विकार होते ही नहीं। अभी तुम बच्चों को अमर अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे। तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। यह भक्ति मार्ग की बातें बाब बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कहते कि भक्ति नहीं करना, भक्ति खराब है। तो बाबा कहते नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात ही यह है, भगवानो वाच मन मना भव। तो बाबा कहते ये मूल बात है, भगवान को याद करना। इसका अर्थ क्या है, यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं तो यह गौ मुख है। ब्रह्मा बाबा का मुख गौ मुख है जिसमें बाप आकर सुनाते हैं। यह भी समझाया है तमेव माता पिता उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है। तो शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूं। तो तुम्हारे जो भी पाप है वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। तो काया भी कंचन मिलती है। तो जब आत्मा कंचन हो जाएगी तो काया अर्थात शरीर भी कंचन हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। तो आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तो फिर डे बाय डे बाबा कहते नीचे उतरते रहते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्कर में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं। एकदम प्रायलोप नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ शांति रहती है। तो बाप ने यह निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर आ गया है, तो बाप का परिचय भी आ गया है। बल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। तो बाबा कहते भले अभी तुम्हारी आत्मा कंचन नहीं बनी, अर्थात प्योर नहीं बनी है, बट बाबा कहते बाबा का तो परिचय मिल गया ना। तो कंचन होने की युक्ति बताते हैं। तो कैसे आत्मा को पावन बनाना है बाबा, युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह कैसे निकले। तो जो भी आत्मा में 5 विकारों की खाद है, तो बाबा कहते कैसे निकले वो, उसके लिए
याद की यात्रा है। तो याद की यात्रा से आत्मा में जो विकार हैं वो निकल जाएंगे। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तो हमारी युद्ध किसके साथ है? माया के साथ। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। तो बाबा कहते ये तो आपके ऊपर है, जितना चाहो उतना पुरुषार्थ कर सकते हो। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो। मन मना भव। शिव बाबा याद है? तो बाबा कहते दूसरों को भी याद दिलाना है कि शिव बाबा को याद करो। एक दो को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है, तब तो बाप कहते हैं। 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व का मालिक बना देता हूं। तो बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति, राइट तो है ना? पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम सतमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, तो कोई गिनती नहीं, अनगिनत है। तो बाबा कहते कितनी बार सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, तो यह चक्कर फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं आता। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कलप कलप आता हूं, तुम बच्चे मुझे छी छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। तो बाबा कहते तुम बच्चे मुझे बुलाते हो तो मुझे आना पड़ता है छी छी दुनिया में। तो क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं, आप आकर हमें पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति दाम सुख दाम में ले चलो। तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। यह भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कलप कलप वही पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता, कोई हल्का। कोई चंद्रमा के नजदीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र हो तो चमकते हो। जितना योग बल होगा उतनी आत्मा पवित्र होगी। तो बाबा कहते फिर उतने ही चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चे में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते हैं, तो जानते तो है ना बरोबर। कोई बहुत तीखे होते, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षा वर्षे में देते हैं। ऑल माइटी बाप है ना,
बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ, तो बाबा शक्ति भी देते हैं, तो गाते भी है ना, शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, तो बाबा कहते कोई छीन ना सके, क्योंकि बाबा अविनाशी वर्षा देते हैं कि कोई भी छीन नहीं सकता। उसको कहा जाता है अडोल राज्य, कोई भी खंडन कर ना सके, कोई जला ना सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, हरेक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा म्यूजियम को सजावे। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए बल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही यह बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आपे लोग आए मिठाई लेने। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है। सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, तो बाबा कहते यह तो बड़ी अच्छे से अच्छी नंबर वन मिठाई है, ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। एक देखकर जाते तो दूसरे को भी सुनाते हैं, ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं। परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना, शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। तो बाबा कहते कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं, बनारस में कितने उन्हों के बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब कोई सुने, छोटों की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। तो कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं, शिव बाबा के भी इतने बड़े टाइटल नहीं है। तो जैसे बाबा ने पहले कहा ना, अभी तो कितने ढेर गुरु हो अपने को भगवान कहलाते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, अपने को बड़े बड़े टाइटल देते हैं। तो भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो यह बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे ऐसे हैं, समझते हैं यह सितारे बैठे हैं, देह का बाण छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखे तीखी रोशनी वाले बन गए हैं, यह है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है, बाप समझाते हैं वह है हद की रात और दिन, यह है फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन बेहद का। दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। तो सतयुग को दिन कहते ना, तो बाबा कहते वहां सुख ही सुख है।
तो ज्ञान है, ज्ञान में है सुख और भक्ति में है दुख। सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहां काल होता नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्कर बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्म लोक, वहां से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बजाने। तो ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़ी बैठ बताएंगे, नक्शल में बताते हैं कितनी डाल डालियां हैं, कितने कितने निकलते निकलते जाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत है जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डायनेस्टी थी, फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। तो बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में तो है बाई प्लॉट्स। यह खेल है बेहद का, यह कितना छोटा जाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, यहाँ तहाँ गिराव गिराव डालते जाते हैं। तो बाप कहते हैं दिल्ली को बनारस को घेराव डालो, फिर कहते हैं सारी दुनिया में तुम घेराव डालने वाले हो, तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी की बात है, खुशी होती है, कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पढ़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है, बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं तो कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई, परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना। अच्छा मीठे मीठे सकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा। और धारणा के लिए मुख्य सार है आज के, फर्स्ट पॉइंट है आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मन मना भव का इशारा देना है। तो एक दूसरे को इशारा क्या देना है कि बाबा को याद करना है, और योग बल से पवित्र बनकर चमकदार सितारा बनना है। तो योग बल से पवित्र बनना है। सेकेंड पॉइंट, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर सबदर्शन चक्करदारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान घोर अंधकार से निकालना है। तो बाबा का ज्ञान देना है, तो ज्ञान क्या है, रोशनी है। तो बाबा कहते फिर मनुष्यों को ज्ञान अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। तो आज का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले राज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव।
इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। तो बाबा कहते हैं, आप बच्चे मालिक सो बालक हैं, बालक सो मालिक हैं। तो एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्से के मालिक। एक तो बाबा कहते स्वयं पर राज्य करने वाले मालिक हो, दूसरा बाबा ने बाबा के वर्से के मालिक हो। जब स्वराज्य अधिकारी हो तब स्वयं की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर मान हो। तो स्वराज्य अधिकारी किसको कहते हैं? जब सब कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर मान हो, तो आत्मा के कंट्रोल में हो। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भूलकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। तो मन को मंत्र वश करने के लिए बाबा कहते मन मना भव। तो मन मना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर बाबा की याद रहेगी तो बाबा कहते कोई भी व्यर्थ बात का फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। तो आज का स्लोगन है, परमात्म मोहब्बत के झूले में उठती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। ओम शांति। ये थे आज के साकार महावाक्य बाबा के। तो आज के अभिव्यक्ति इशारे है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल ले लिया तो जमा कुछ नहीं हुआ। तो बाबा कहते अगर अभी अभी कोई सेवा की अभी अभी उसका फल लिया तो कुछ जमा नहीं होगा। कमाया और खाया, उसी समय कमाया उसी समय खा लिया, उसमें फिर विल पावर नहीं रहती, वह अंदर से कमजोर रहते हैं, शक्तिशाली नहीं खाली खाली रह जाते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वभाव ओम शांति।